चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आप लोग को सेम एडिट करना सिखा दूंगा और वीडियो को आप लोग को स्किप करके नहीं देखना। कई लोग क्या होते हैं, स्किप करके वीडियो देखते हैं और बाद में कमेंट करते हैं कि भाई हमको ये वाला PNG कहाँ लगाना था, मतलब बहुत सारा सवाल करते हैं। तो आप लोग को स्किप करके नहीं देखना, पूरा वीडियो देख लेना है। और हाँ, मैं 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मतलब भर गया था, हैंग कर रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह PicsArt कुछ नहीं चल रहा था। तो मैंने सारा कुछ डिलीट करके अब खाली कर लिया है फ़ोन, मतलब फ़ोन का स्टोरेज बहुत ज़्यादा कम है, तो काफ़ी एप्लीकेशन डिलीट वगैरह करने पड़ते हैं तब जाके वीडियो बना पाता हूँ। तो वही प्रॉब्लम थी, तो माफ़ करना, ठीक है। एंड हाँ, मैं आप लोग के लिए एक कॉन्सेप्ट और, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर याली एडिटिंग चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि भाई इसका वीडियो लेके आओ, तो मैं शाम को ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कमेंट करना होगा आपको। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप लोग को PicsArt एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को पिन कर लेना, देन आप लोग को रिसाइज नहीं करना, मैंने रिसाइज पहले से करके दे दिया हूँ। जो भी PNG बैकग्राउंड यूज़ करूँगा सारे के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो देखने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग को यहाँ से जाना है ड्रॉ टूल्स पे, एंड ड्रॉ टूल्स पे आने के बाद सिंपली आप लोग को गाइस करना है कि यहाँ से ऐड फोटो पर जाके अपनी फोटो को ले आना। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैं फोटो को ले आऊँ तो मैं यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ फोटो को, यहाँ से जाता हूँ लेयर पे, देन यहाँ से कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद में से करता हूँ फ्लिप, फ्लिप करने के बाद में अपने एडजस्ट, मतलब अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि फेक ना लगे, ठीक है। तो आप लोग को जिस टाइप से एडजस्ट करना होगा तभी आप लोग की फ़ोटो अच्छे से एडिट होगी और मस्त लगेगी, ठीक है। तो मैंने एडजस्ट कर लिया, मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। देन गाइस आप लोग को यहाँ से जाना है, एक तो लेयर को बना लेना है और जो न्यू लेयर रहेगी वो आप लोग को नीचे रख देना मॉडल की। देन गाइस आप लोग को बना देनी है शैडो, शैडो बनाने के लिए आप लोग को ब्लैक कलर लेना होगा, देन हार्डनेस को कम कर देना होगा, देन ओपेसिटी को भी कम कर देना होगा। फिर आप लोग को जूम करना है, एंड जूम करने के बाद आप लोग को दे देनी है प्यारी सी शैडो ताकि फेक ना लगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से शैडो को दे देना है। और हाँ यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करता हूँ यार, आप लोग को पता है, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ, और वही है यार, कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे शैडो दे देगा मैंने, एंड यहाँ से कर देता हूँ डन। एंड डन करने के बाद गाइस आप लोग को बताता हूँ क्या करना है, यहाँ से जाना है ऐड फोटो पर, एक तो PNG को ले आना है आपको अच्छा लगे। मैं फिर भी यहाँ पे से चिपका देता हूँ, ठीक है, मतलब चिपकाने का मतलब लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग को रेजर पे जाना है, हार्डनेस को फुल कर देना, देन साइज को कम, एंड यहाँ से आप लोग को इरेज कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इस टाइप से इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। सो मैंने कर लिया हूँ, यहाँ से डन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड डन करने के बाद आप लोग को मैं कुछ PNGs दूंगा फायर का, ठीक है, वो लेके आना है आना, देन आप लोग के यहाँ से स्क्रीन पे जाके वो ब्लेंडिंग पे जाके स्क्रीन कर देना है और यहाँ पे लगा देना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ यहाँ पे लगा दे, देन डुप्लीकेट करना है एक तो, और इसे भी यहाँ पे लगा देना है कुछ यहाँ पे, देन यहाँ से इरेजर पे जाना है और थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर लेना होगा आप लोग को, ठीक है, ताकि फेक ना लगे, मतलब जो भी काम करो ओरिजिनल लगो करो, ठीक है, लगो नहीं। एंड यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ, एंड यहाँ से कर लेता हूँ डन। एंड उसके बाद आप लोग को एक तो PNG को फिर लेके आना और यहाँ से स्क्रीन कर देना, स्क्रीन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे लगा देना तलवार के पास, ठीक है, यहाँ पे लगा देना और ऐसे कर देना है आप लोग को इन्वर्ट, इन्वर्ट करने के बाद आप लोग को ऐसे अप्लाई कर देना, ठीक है, इस टाइप से अप्लाई करना है। और उसके बाद आप लोग को बताता हूँ क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट निकालना है और मतलब इस साइड बाजू में भी लगा देना है, देन और डुप्लीकेट निकालना है, मतलब डुप्लीकेट निकाल के आप लोग को लगा देना। वैसे भी मैंने बहुत सारी PNG दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोग को, वहाँ से निकाल लीजिएगा, देन यहाँ से कर लीजिएगा डन। एंड उसके बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ से क्या करना है, फ़ोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। तो एक मिनट, हम एक काम करते हैं, यहाँ से ऐड फोटो पर जाकर वो डस्ट पार्टी कर लेना, उसे फिल आते हैं तलवार के पास, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से क्रॉप करना है, देन स्क्रीन करने के बाद आप लोग को यहाँ तलवार के पास लगा देना है, ठीक है। और फिर इस पर टैप करके रेजर पे जाइएगा और कुछ इस टाइप से इरेज कर लीजिएगा। ओके, हो गया है काम, अब हम चलते हैं रीटचिंग की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से सेव करने के बाद आप लोग को ड्रॉ टूल्स पे जाके सेव करना है और चला जाना है स्नैपशीट एप्लीकेशन पे।
सिलेक्टेड एप्लीकेशन में आने के बाद सिलेक्टेड टूल्स पे जाना है आप लोग को, और आप लोग को अपने फेस पर ड्रॉ करना है, और यहाँ की एडजस्टमेंट मैं जैसा कर रहा हूँ आप लोग को सेम वैसा कर लेना है, ठीक है। सो अभी तक लाइक नहीं करा तो यार एक लाइक कर दो, और एक तो कमेंट कर दो कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिन लोग को एडिटिंग अच्छी लगती है, और नहीं भी लगती तब भी शेयर कर देना यार, अच्छा लगेगा मुझे, शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। तो इस टाइप की एडजस्टमेंट करना है आप लोग को जैसे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग के यहाँ से डन कर लेना है, ठीक है। देखो आप लोग लाइट रूम का यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग को करना है, मैं लाइट रूम का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्नैपसीड का कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं और कुछ नहीं करता हूँ, फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ, एडिट हो चुकी है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं, और हाँ ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। जो लोग वीडियो नए बंदे देख रहे हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बूम कॉन्सेप्ट लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।